पावर बीआई में हम डेटा कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले की वीडियोज में हमने बात की कि एक्सेल से पावर बीआई में डेटा कैसे लाते हैं। हमने बात की कि किसी नोट पैड से कैसे डेटा लाएंगे, कैसे सीएसवी से डेटा लाएंगे और कैसे हम डेटा खुद से टाइप। अब मैं बात करूंगा कि डेटा एक्सएमएल और जेसन की फाइल से या डायरेक्ट लिंक से कैसे लाए। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आईपी डिजिटल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पावर बीआई की वीडियो ट्यूटोरियल। तो पावर बीआई की अगर कंप्लीट सीक्वेंस वीडियो चाहते हैं तो आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, या आईओएस या एंड्रॉइड का ऐप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, या फिर आप सिस्टम पे हैं तो सिस्टम पे जस्ट सर्च कीजिए app.iptindia.com, जिसमें मोबाइल नंबर से आप लॉगिंग करेंगे। लॉगिंग करने के बाद एक कोर्स आपको दिखेगा पावर बीआई। पावर बीआई में फिलहाल अभी जो दिख रहा है कि 103 वीडियोस अवेलेबल है और ये 2023 और 2024 का है, लेकिन 2024 और 2025 की जो वीडियोज है अभी बनने शुरू हुई है। सारे वीडियोज इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तकरीबन 200 नए वीडियोज इसके अंदर में इस 2024 में आएंगे। डेली बेसिस में से 5-10 आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो फिलहाल बाय कर लें, क्योंकि अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि 2024 की वीडियोस इसमें इंक्लूड नहीं हुई, इसलिए आपकी प्राइस कम है। जैसे 2024 की वीडियोस में इंक्लूड होगी इसकी प्राइस 3000 है, अभी आप 1000 में बाय करेंगे। 5 साल की इसकी वैलिडिटी है, तो 5 साल तक जितने भी अपडेट्स होंगे आपको सारे अपडेट इसमें मिलते रहे। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और बाय कीजिए। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Recording in progress. तो पावर बीआई की अपडेटेड क्लास वीडियोज में हम बात कर रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी, और डेटा कनेक्टिविटी की हमारी 8वीं वीडियोज है जिसमें हम बात करें एक्सएमएल से डेटा कैसे लाए। तो कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह के एक्सएमएल फाइल मिलते हैं। जी हाँ, ये दिख रहा होगा आपको एक्सएमएल फाइल डेटाशीट, एक्सएमएल डेटाशीट दिख रहा होगा। तो एक्सएमएल डेटाशीट में क्या होता है, इस तरह के कुछ एचटीएमएल, एक्सएमएल का कोडिंग होती है या फिर एचटीएमएल की कोडिंग होती है, उस कोड में डेटा होता है। ज्यादातर बहुत सारे जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और कुछ ऐसे डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सएमएल डेटा को लीड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, अगर फॉर्म इनकम टैक्स का अगर आप भर रहे हैं, रिटर्न भर रहे हैं फाइल डाउनलोड करके, तो एक्सएमएल बना के ही अपलोड करना पड़ता है। तो ऐसे एक्सएमएल में डेटा आया, ऐसे जेसन में डेटा आया, तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले एक्सएमएल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया और हम यहाँ गेट डेटा पे फ्रॉम मोड पे आ गए, और यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन में हमने एक्सएमएल को सिलेक्ट किया, कनेक्ट पे गए और अपने लोकेशन पे गए। उस लोकेशन में जो एक्सएमएल की फाइल दिख रही है उसको सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। ओपन करने के बाद रो नाम का फाइल आ गया, इसको भी कीजिएगा, यहाँ पे रो नंबर का फाइल आ गया जिसमें मेरे सारे डेटा यहाँ पर है। बस इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ लोड पे क्लिक कीजिए, ये डेटा आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। अठारह हजार रो आप देखेंगे यहाँ पे लोड हो चुका है। ओके, ये 18,000 लोड हो चुके हैं, देख सकते हैं। लेकिन कई बार हमें डेटा ऐसे नहीं मिलता है, कई बार कुछ लोग मुझे लिंक भेज देते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्सएमएल लिंक है आपका, ये लिंक भेज दिया, अब मुझे इस लिंक को लेके आना है। तो अगर इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि आप जो है क्रोम को खोलिए, क्रोम खोलने के बाद इस पे जाइए और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये एक्सएमएल डेटा सेट आपका लोड हो जाए। अब इसको कॉपी कर लीजिए, पूरा डेटा को, पूरे डेटा को कॉपी कीजिए और नोट पैड पे आइए और इसमें पेस्ट कीजिए। नोट पैड की फाइल को
किसी नाम से और इसमें डॉट एक्सएमएल से सेव कर दीजिए, एक्सएमएल से। बट ये डेटा आपका लाइव नहीं होगा आपके साइड से, क्योंकि ये डाउनलोड होके सिस्टम पे आ गया हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट से लाइव रहे, तो आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लिंक या जो ऊपर यहाँ लिंक दिख रहा है, इसी लिंक को आप कॉपी करें और चले जाए फाइल में, और यहाँ होम के अंदर गेट डेटा। अब जरूरी नहीं है कि इसमें मुझे एक्सएमएल ही या जेसन ही सिलेक्ट करना होगा, कोई भी फाइल टाइप सिलेक्ट करके उस पाथ को यहाँ डाल दीजिए। और ध्यान रखिए पाथ में फाइल का नाम होना चाहिए, ऐसी कोई यूआरएल नहीं होनी चाहिए। यूआरएल एक फाइल कंप्लीट नेम के साथ के पाथ डॉट एक्सएमएल करके आना चाहिए। एंड इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड करके ला रहा है। डेटा अगर बड़ा हुआ तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, डेटा कम हुआ तो कोई खास टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए आ गया, बट ये क्या, ये तो टेबल करके, टेबल और पार्ट करके आया है, कुछ डेटा है इन्हें? जी हाँ, डेटा है इसके अंदर, इसके अंदर डला हुआ है। इसकी डेटा लेने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना पड़ेगा। जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे आइएगा तो ये दिख रहा होगा, ए दिख रहा होगा आपको इस तरह का, दो तरफ का एरो की, जो दो तरफ का एरो की दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए। अब इसमें एक्सपेंड करके दिख रहा है आपको, अब कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए तो अनटिक कर दीजिए, चाहिए तो रखिए एंड जस्ट प्लेस ओके। जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपका पूरा एक्सएमएल फाइल का डेटा यहां आ चुका है, और आपको यहां पे जस्ट क्लोज एंड अप्लाई करना है। ये डेटा आपके यहां देखिए आ गया, पार्ट का पार्ट नाम का डेटा, इसको राइट क्लिक करके रिनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, रिनेम, इसको दे दीजिए लिंक एल डेटा, लिंक डेटा, ऐसे नाम चेंज कर सकते हैं, और इस सारा आ गया। और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही वापस डाउनलोड करेगा पूरा डेटा और इसको अपडेट करेगा। ये हमारी एक्सएमएल हुआ। तो एक्सएमएल से डेटा लाने के लिए या तो आप फाइल है आपके पास तो उसको इंपोर्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपको इस तरह का लिंक मिला हुआ है तो आप इसके डेटा को कॉपी करके एक नोटपैड पे पेस्ट करके फिर वहां से ले, नोटपैड में पेस्ट करने के बाद आपको सेव एज करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना है, इस लिंक को डायरेक्ट कर लेना है। जैसे एक्सएमएल फाइल होती है ऐसे ही हमारे पास जेसन फाइल भी होती है। आप देखेंगे मैंने आपके ऐप में डाला हुआ है, एक्सएमएल डेटा लिंक भी डाला हुआ है और जेसन डेटा लिंक भी डाला हुआ है, दोनों फाइल सैंपल भी डाला। अब इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए ये जेसन डेटा है आप, ठीक है। ये भी इस तरह से एक्सएमएल कोड में ही होता है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है, ये भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह में डेटा मिलता है। इसको भी लाने के लिए आपको जाना है गेट डेटा मोर पे और जेसन को सिलेक्ट कीजिए, देन कनेक्ट, और यहां पे आप जाइए अपने लोकेशंस में जहां आपका लोकेशंस है और जेसन डेटा सेट को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। लेकिन जेसन डेटा डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, ये सीधे चला जाएगा पावर क्यूरी के अंदर। जी हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई डेटा नहीं है तो साइड में जैसे एरो निशान बना हुआ था यहाँ पे, ऐसे एरो निशान बनेगा, उस पर क्लिक करके आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये डेटा आपका आ जाएगा। इसको क्लोज एंड अप्लाई। और जैसे एक्सएमएल में आपको हमेशा ये नहीं आएगा, फाइल नहीं आएगा, आपको कई बार लिंक मिल सकता है, ऐसे यहां भी आपको लिंक मिलेगा। कैसे मिलेगा लिंक? कुछ इस तरह के लिंक मिलेंगे, जैसे मैंने इसके भी लिंक मैंने डाला होगा, इस तरह के लिंक मिलेंगे। तो इस तरह के जो लिंक आपको दिख रहा है इसको कॉपी कर लीजिए, और जैसे मैंने एक्सएमएल को लाना बस सिखाया था, ऐसे किसी भी एक्सेल पे किसी भी फाइल मोड पे चले जाएं और इस पे पूरा पाथ को नीचे फाइल नेम में पेस्ट कर दें, बैन ओपन करें, थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि मैंने पहले ही बताया था थोड़ा टाइम लगेगा, और ए डेटा भी सीधे आपके पावर क्यूरी में चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ गया जेसन डेटा फाइल। अब इसको आगे की तरफ देखिए, पूरा डेटा इतना ही है, छोटा डेटा था इसलिए इतना ही है।
और इसको लोड एंड क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने आज की क्लास में बातचीत की कि हम हमारे पास अगर डेटा सोर्स कोई पर्टिकुलर फाइल में एक्सएमएल और जेसन में है तो कैसे लेंगे, या डायरेक्ट हमें लिंक के थ्रू जेसन एंड एक्सएमएल का लिंक मिला है तो कैसे इस फाइल को इंपोर्ट करें। ये हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि हमारे फोल्डर में कई सारे फाइल्स हैं, उन फाइल का डेटा एक के नीचे हम कलेक्ट कैसे करेंगे। तो बने रहे हमारे ऐप पे, देखते रहे, किसी तरह की कंफ्यूजन के लिए मुझे कॉल करें। थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।